तो गाइज आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा फन और बहुत सारे एडवेंचर स्टंट्स, तो लेट्स गो। मेरे पैर, हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज हम चारों, एक वो रहा अपने फोन पे बिजी है, और हम लोग आए हैं आज घूमने रंगमंच फार्म्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और आज हम बहुत सारा फन करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, और ये लोग बातों में लगे हो। हेलो, क्या खाने वाले हो? जो मिल जाए, भूख लगी है बस। और पहले हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा। और यहाँ का कैंटीन भी बहुत बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी डेकोरेटेड कैंटीन है इन लोगों का। मुझे लगता है टेस्टी टेस्टी खाना, टेस्टी तो होगा। तो अभी पहले खाते हैं और फिर चलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने। गाइस खाना हमने खा लिया है, पूरा लंच हो गया, और अभी हम लोगों को एक्टिविटी करनी थी बहुत सारी, लेकिन इतना ठूस ठूस के खाया हम लोगों ने, गले तक भर भर के, बिकॉज यहाँ का खाना माँ कसम बहुत टेस्टी था। कितना टेस्टी था, और पता बहुत सारी, इवन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, खीर भी मिली है। इन गरीबों को वैसे आदत तो है नहीं इतनी इज्जत की, तो इसीलिए इनको इतनी इज्जत मिली है, तो उन्होंने भर भर के खाया है। खा लिया तो चले। तो भाई जब से मैंने निशु को इन्फ्लुएंसर बनाया, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। ओह, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक फार्म हाउस में आए, और हमें ना बहुत सारी रंगमंच फार्म हाउस, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें, इसलिए कह रहा है कि जब से मेरे को इन्फ्लुएंसर इसने बनाया है। जब मैं इन्फ्लुएंसर थी ना, तो कोई था भी नहीं अगल बगल मेरे। पेट में भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी पेट में तो नहीं था, क्या बोलते हो? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पहली एक्टिविटी करने के लिए, बुल। तो हम बैठेंगे सांड के ऊपर, और सांड हमें गिराएगा, और एक्टिविटी हम आपको दिखाते हैं सामने से कैसी मजेदार होने वाली है। तो गाइस बुल राइड हमने कर ली है, और बहुत मजा आया, हमने बहुत फन किया। और बताओ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली के पास में इतनी सारी चीजें हो रही है एक ही जगह पे, और ये तो सिर्फ अभी एक और पहली एक्टिविटी है हमारी। बहुत सारी अभी तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, और हम सारी करने वाले, और बहुत फन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई स्कूल वाले भी कभी इतने अच्छे पिकनिक पे किसी ऐसी जगह लेके नहीं गए। हाँ, बेचारा अपना दुख बया कर रहा है कि स्कूल वाले कभी ऐसी जगह लेके नहीं गए। तो गाइस अगर जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो तो पार्टी वगैरह प्लान करते हो, तो यहाँ पे रात को स्टे करने के लिए कॉटेज वगैरह भी बने हुए हैं, ताकि जैसे आपको रात को धक्के ना खाना पड़े होटल्स के रूम ढूंढते ढूंढते। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सुंदर सा बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो मिली है यहाँ पे, वो है यहाँ पे लिपस्टिक का पेड़, जो मैंने खुद भी पहली बार सुना। देख लो वहाँ पे लगा हुआ है। तो जो भी लड़कियां नाइका मेबलिन में पैसा फूंकती हैं, वो यहाँ फार्म पे आए और लिपस्टिक तोड़ तोड़ घर ले जाएं। कुछ भी, कुछ भी। तो कितने सारे बीर आए हुए हैं, गांव के ऐसे ही होते हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी है। भैया ने ना अपने फार्म हाउस में मिनी मुगल गार्डन खोल रखा है। मुगल गार्डन में जैसा देखते हैं ना, वैसा भैया के पास सारे पेड़ हैं, सारे मसालों के पेड़ हैं, सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, सब कुछ है यहाँ पे। गाइस मानना पड़ेगा, इतनी इंटरेस्टिंग जगह मैंने ट्रस्ट में कभी नहीं देखी। आउटडोर गेम्स आप आके देखो, बस मतलब पूरा पैकेज है यहाँ पे, एंजॉयमेंट का पूरा पूरा पैकेज है यहाँ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करने, जिसे घर पे बिल्कुल ट्राई ना करें, और अगर करनी है तो यहाँ रंगमंच फार्म्स आके ही ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ पहना बना के, हेलमेट लगा के करवाया जाएगा एक्टिविटी को। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने गैजेट्स पहनने, गैजेट्स होता है ना, गियर्स, गियर्स पहनने, काट देना, समझ लो ना। हाँ भैया जी, अगर हम गिर गए तो हमसे शादी कौन करेगा, कौन करेगा? ऊपर से 5 लाख दहेज और फालतू लग जाएगा, इसलिए सोच समझ के करवाइएगा, हमको गिरना नहीं है। पर
मेरा बदला इस राक्षस से ले, इसको मारे पीटे, इसको खत्म कर दे, सर फोड़ दे, खुन्नम खून कर दे इसको। ये हमारे लिए बिल्कुल उज फूल नहीं है, यूजलेस है आदमी। देखो जिपलाइन कितनी ऊंची है और कितनी और कितना इंटरेस्टिंग है। नीस को बैंड करना है, जब मैं बोलूं पैर ऊपर तो पैर ऐसे ऊपर नहीं करने हैं, नीस को करना है ऊपर, ठीक है? अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे आप वापस पीछे आ सकते हो अपनी गलती की वजह से, नहीं तो फिर हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। बीच में लटक जाएगी। हाँ बीच में आ जाओगे फिर हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। डरा के रहो, कर दो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहते हो तो? मैं ना गंदी गाली फेंक के मारूंगी तेरे मुंह पे। भैया इसकी ब्रेक कैसी थी, मेरे लग गई। चक्कर से आ रहे हैं, मजा आ गया। लेकिन तो गाइस मैंने ज़िपलाइन कर लिया और बहुत मज़ा आया, बहुत फन था। वैसे मैंने मनाली में करती बट यहाँ वाली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत ऊपर से, तो अलग ही वाइब थी, मज़ा आ गया यार। तो गाइज अब मैं रेडी हूँ अपनी थर्ड एक्टिविटी के लिए जो है रैपलिंग। भैया पहले मुझे डेमो करके दिखाएंगे ताकि मैं सीख जाऊँ, उसके बाद मैं रैपलिंग करने वाली हूँ और कोई रैपलिंग नहीं करने वाला, सिर्फ मैं करूँगी, सिर्फ मुझ में है इतना जिगरा। बाकी ये मयंक कारण बच्चे हैं यार, ये इनको कुछ नहीं पता, दुनियादारी ज़िंदगी सब बेकार है इनकी लाइफ में। हम लोग रैपलिंग के लिए, हम लोग नहीं मैं रेडी हूँ सबसे पहले, और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है। सारी सिक्योरिटी का ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये वाली जो रस्सी है ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है, ताकि जब मेरा हाथ छूटता है बाई चांस छूट जाता है, मैं छोड़ती हूँ तो भैया के हाथ में मेरी डोर रहेगी। कहते ना अपनी डोर किसी और के हाथ में होती है, आज वो कहावत सही होने वाली है क्योंकि मेरी डोर भैया के हाथ में है। भाई यार दिखाओ कितना गहरा है ये। ओ बेटे वाह बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे। मानते नहीं मानते भैया, जिग रहा है मेरे अंदर। ये ओनर है इस फार्म के, और देख लो कितने सिंपल रहती है, मेरा होना ये फार्म, तो मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करूं, चलते आदमी में रैपट लगा दूं। ओ तेरी वाह बेटे, मुझे अपने घर जाना है। क्यों? आप कैसे आएंगे? भैया मेरे को डर लग रहा है बहुत। पैरों को बिल्कुल सीधा करो, ऐसे मेरी बात सुनना, बस इस हाथ को पीछे लेके जाओ, रोप को पकड़ते हुए पीछे और नीचे चलते हुए जाना है, रिलीज करो रोप। फील नहीं ले रही, मैं तो फौजी की वाला हूँ, फील लू कुछ तो, कुछ करना नहीं है। मजा आ गया, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हरकत करूंगी। ओ भाई शु बोल रही है कि ये जो रस्सी है इसने बहुत बार चढ़ी हुई है, वाली सीढ़ी रस्सी वाली, अभी चेक करेंगे कि निशु ने रस्सी वाली सीढ़ी का। हां बेटा आ जा, आ जा आ जा भाई, देखें हम भी। ओ भाई बता दे कि कितनी बार चढ़ी हुई है। तो मैं ये बहुत बार चढ़ी हुई हूं। हिल क्यों रही है इतनी, ये हिल क्यों रही है? अब मैं जो चढ़ी वो हिलती नहीं है, मेरी छत पे लगी थी। दिस स्लैक लाइन, कुछ लोग इसको प्रोफेशन ही बना के रखा हुआ है। क्यों? मतलब पहाड़ों के बीच में लगा लेते हैं इसको और फिर बस ऐसे ही चलते हैं। नहीं इतना कूदा तो नहीं मेरे अंदर, पहाड़ों के बीच वाली चीज तो मैं कर ही नहीं सकती।
थ्री की मैं कभी राजस्थान या जयपुर जाऊंगी तो कैमल राइड जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन था, मैंने कभी नहीं करी। बट मुझे क्या पता था कि यार दिल्ली के इतने पास में यहाँ पे इस फार्म हाउस में कैमल राइड भी मिल जाएगी, ये तो और भी अच्छा प्लस पॉइंट है इनका। तो अभी चलते हैं, बहुत सारा फन होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे था शौक था कि मैं स्टार्टिंग से एक बार कैमल राइड जरूर करूँ। भैया ये आपका बात मानता है ना, है ना, ये आपकी बात मान, मम्मी और इस समय मैं आसमान की ऊंचाइयों में ऊंट पे बैठी हुई और फील लेती हुई राजस्थान का और रंगमंच फार्म में जो कि है गुड़गांव में। अब मेरा मन कर रहा बस वही करिश्मा कपूर की तरह गाना गाने वाला, मरे ही बड़ा मैं नाचे दिख थैया। तो आज हम लोग आए हैं रंगमंच फार्म्स और सुबह से हम लोग को शाम हो गई और ट्रस्ट में मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ जाता है? ये गुड़गांव के पास है, अगर आप गुड़गांव में हीरो होंडा चौक की बात करें तो अराउंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। हर एज ग्रुप का इंसान यहाँ आ सकता है, तो आपको किसी के साथ भी आना हो तो आपको बस लोकेशन डालनी है रंगमंच फार्म्स अपने गूगल मैप पे। वैसे इसका लोकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और पूरा एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आना जरूर क्योंकि बहुत ही वर्दी है यहाँ पे आना। तो इसका पैकेज का क्या सीन है इसमें? पैकेज हमारा है जो अगर आप डेली पिकनिक के लिए आते हैं सुबह से लेके शाम तक 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो हमारा 900 का रहता है पैकेज। 900 का पैकेज जिसमें आपका ब्रेकफास्ट रहता है, बुफे रहता है, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स रहते हैं, एंड कुछ लाइव स्नैक्स भी चलते रहते हैं थ्रू आउट द डे, एंड देन एक्सेस टू ऑल दी एक्टिविटीज जो कि हमारी 40-50 एक्टिविटीज हैं, एनी काइंड ऑफ पार्टीज एंड इनफैक्ट वेडिंग्स भी हो सकती है। अच्छा, ओ बहुत बढ़िया, तो मैं अपनी शादी के लिए बुक करवा देती हूँ उसे आने वाले 5 साल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे जगह मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को प्री बुकिंग भी करवानी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी हमने इन्जॉय किया, हमारी पूरी टीम ने बहुत इन्जॉय किया, और अभी तो आधी एक्टिविटी हमारी बाकी, हम जा रहे हैं और भी बहुत सारा फन करने के लिए, इन्जॉय। तो गाइज अब बारी है हमारी फोर्थ एक्टिविटी की जिसका नाम है हाई रोप कोर्स, और ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मैं कार्टून निकलोडियन पे आता था उसमें देखती थी कि पड़ाव पार करने हैं, तो इसमें भी हमें बहुत नए नए पड़ाव आएंगे उसको पार करना है। और आर्यन ने ये किया था कम से कम 12-13 मिनट में, देखते हैं कि मैं ये कितने मिनट में पार कर पाऊंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ये मेरी मेहनत देखो आप, और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटीज है, और लेकिन मेरे जून पे बात आ रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 7, और अभी हमने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लिए हैं और अब टाइम हो गया यहाँ से जाने का, बट शाम को तो यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई होप आपने हमारा आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हो, तो इन्जॉय किया तो क्या करें, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ निशु तिवारी व्लॉग्स, जो कि मैं हर बार बोलती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।